नौगांव जिला न्यायालय में मंगलवार को अभिभाषक डिस्पेंसरी में वकीलों के लिए नाक कान गले का स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ताओं ने डॉक्टरों को अपनी परेशानियां बताई और बीमारियों से संबंधित उपचार हेतु सलाह ली। इंदौर अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष अधिवक्ता कपिल बेलसारे ने बताया कि न्यायालय डिस्पेंसरी में लंबे समय से डॉक्टरों की मांग की जा रही है, जिसको लेकर बीते दिनों प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट से भी अधिवक्ताओं ने मांग रखी थी, जिसके बाद मंत्री जी ने न्यायालय की डिस्पेंसरी में जल्द ही स्थायी रूप से सरकारी डॉक्टर की नियुक्ति करने की बात कही है। इसी क्रम में मंगलवार को औकात फाउंडेशन के द्वारा न्यायालय डिस्पेंसरी में नाक कान गले का शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ जिला न्यायालय के मुख्य जज सुशील कुमार शर्मा द्वारा इस शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने अपनी बीमारियों से संबंधित जांचें करवाई और निशुल्क डॉक्टरों से सलाह ली। ठीक है, और ये जो है सुनने की समस्याएं जो है, देखिए वर्तमान में इंदौर अभिभाषक संघ की डिस्पेंसरी है और डिस्पेंसरी में काफ़ी लंबे समय से डॉक्टरों की मांग चल रही थी। उस विषय को लेकर हम स्वास्थ्य विभाग के तुलसीराम सिलावट साहब से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक स्थायी रूप से सरकारी डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। इसी स्तर पर उकास फाउंडेशन जो है उन्होंने हमें सहयोग करा और सहयोग करने के बाद में नाक और कान और गले की जाँच का एक निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया इंदौर अभिभाषक संघ द्वारा। उसमें सभी टाइप की जांचें की जाएगी और वकीलों की, जो कि पूर्णतः रूप से निशुल्क है। सुबह 10:30 बजे करीब जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सुशील कुमार शर्मा साहब द्वारा इसकी ओपनिंग की गई है और ये अभी करीब 100 अधिवक्ताओं के नाम आ चुके हैं। जैसे जैसे नाम बढ़ते जाएंगे वैसे ही इसकी जो मतलब सुविधाएँ वो आगे हमारे द्वारा और दी जाएगी।